मित्रों, पौराणिक कथाओं में हमने अनेकों बार श्रापों के बारे में सुना अथवा पढ़ा है, परंतु क्या आप जानते हैं महाभारत में ऐसे श्रापों का वर्णन है जिसका असर आज भी धरती पर बना हुआ है। जी हाँ, उन श्रापों की वजह से आज भी लोग सजा काट रहे हैं। नंबर एक, मित्रों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि कर्ण उनका ही भाई था। यह बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भाई का वध किया था। रहस्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे अपनी माता कुंती के पास गए और शोकाकुल अवस्था में उन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। मित्रों, हम जानते हैं कि आज महिलाएं किसी भी प्रकार की बातों को अपने पेट में नहीं पचा सकती और ये उसी श्राप का नतीजा है। नंबर दो, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। परीक्षित एक अच्छे राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा भी खुश तथा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित का आखेट खेलने का मन हुआ, इसलिए आखेट खेलने के उद्देश्य से वह वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि शमिक नाम के ऋषि तपस्या में लीन है तथा मौन व्रत धारण किए हुए हैं। राजा ने उनसे बात करनी चाही, परंतु ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आ गया तथा उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि शमिक के पुत्र को यह बात पता चली तो उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। कलियुग को राजा परीक्षित का भय था, इसलिए वह धरती पर हावी नहीं हो रहा था, परंतु इस श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलियुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। नंबर तीन, महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का धोखे से वध कर दिया, तब सभी पांडवों समेत श्री कृष्ण उसका पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में देख ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वेदव्यास जी ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अस्त्र वापस लेने की विद्या से अज्ञात अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया और कहा कि तुम किसी भी जगह किसी भी पुरुष से बातचीत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पीभ और लहू की गंध आएगी। इस कारण तुम मनुष्यों के बीच भी नहीं रह पाओगे। तुम दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। नंबर चार, महाभारत में एक प्रसंग में मांडव्य नाम के ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने न्याय करने में भूल कर दी और ऋषि मांडव्य को फांसी पर चढ़ाने का श्राप दे दिया। राजा के आदेश से ऋषि को फांसी पर लटका दिया गया। बहुत समय तक फांसी पर लटके रहने पर भी ऋषि के प्राण नहीं गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि मांडव्य को फांसी से नीचे उतार दिया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और उनसे अपनी सजा का कारण पूछा। यमराज ने बताया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीक चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि ने यमराज को कहा कि इस उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, परंतु फिर भी आपने मुझे उसका दंड दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप विदुर के रूप में जन्म लेंगे। नंबर पाँच, मित्रों एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहां पर वह उर्वशी नाम की एक अप्सरा से मिले। उर्वशी अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई, परंतु अर्जुन उसे अपनी माता के समान देख रहा था। इस बात से उर्वशी क्रोधित हो गई और क्रोध में उसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और कहा कि स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। अर्जुन ने यह बात देवराज इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान का काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के बीच रहोगे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के ऐसे श्राप जिनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। मित्रों, आपको इनमें से कौन सी बात पहले से पता थी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक धार्मिक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।